सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी रोली की पुस्तक पढ़ाऊंगी। आप सभी अपनी अपनी हिंदी रोली की पुस्तक निकाल लें। आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9, कश्मीर की सैर। सभी अब अपनी रोली की पुस्तिका में पेज नंबर 75 निकाल लें। कश्मीर की सैर। कश्मीर की सैर यह एक यात्रा वृतांत है। एक अंकित नाम का लड़का है जो कश्मीर की सैर करके आया है और अपने मित्र अंजन को एक पत्र लिखता है जिसमें उसने कश्मीर की यात्रा में क्या क्या अनुभव किया, किस तरह से वह कश्मीर गया, वहाँ क्या क्या चीजें देखी, किस किस चीज से आनंद लिया, कश्मीर के स्थान में क्या क्या उसने खरीदा, क्या क्या वहाँ मिलता है, इन सभी चीजों का उसने इस पत्र में वर्णन किया है। और इस कहानी के द्वारा, इस पत्र के द्वारा हमें भी बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। इसे पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कश्मीर के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग आज जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कश्मीर की सैर। सबसे पहले हम यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, उनको हम समझ लेंगे तो पाठ में कठिनाई नहीं होगी। मनोरम। मनोरम का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। मन को जो चीज अच्छा लगता है, जो चीज भाता है, उसे हम मनोरम कहते हैं। मखमली। मखमली का अर्थ है मखमल जैसा। मखमल के जैसा मुलायम कोई भी चीज होगा तो हम उसके लिए मखमली शब्द का प्रयोग करते हैं। दीप मालिका यानी कि दीपकों की माला। दीप दीप जलाया जाता है ना, तो उसकी माला, दीपकों की माला। कश्मीरी। कश्मीरी का अर्थ है कश्मीर का रहने वाला। जिस तरह से बिहार में रहने वाले को बिहारी कहते हैं, उसी तरह कश्मीर में रहने वाले को कश्मीरी कहते हैं। नक्काशी। लकड़ी पर खुदाई करके सुंदर डिजाइन बनाना। हम लोग अपने घर में भी कई तरह के फर्नीचर हुए, पलंग हुए, इत्यादि चीजों को देखते हैं तो उनमें भी नक्काशी दिखाई देती है। यानी कि लकड़ी को खुदाई करके उसपे बहुत महीन डिजाइन बनाया जाता है जिसको हम लोग नक्काशी कहते हैं। कांगड़ी। कांगड़ी का अर्थ है एक विशेष अंगीठी जिसे कश्मीरी लोग सर्दियों में अपने साथ रखते हैं। तो हम जानते हैं कि कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ काफी ठंड पड़ती है, तो वहाँ के लोग एक विशेष प्रकार का, एक अलग तरह का अंगीठी होता है जिसको अपने साथ सर्दियों के दिनों में अपने वस्त्र में छुपा के रखते हैं, अपने सांस में रखते हैं, जिससे कि उन्हें गर्मी मिलती रहती है और वह इस ठंड, इतनी अधिक ठंड में वह आराम से रहते हैं। तो ये तो हुआ शब्दार्थ बच्चों। तो आइए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर क्या है? धरती का स्वर्ग है। वहाँ का दृश्य इतना लुभावना और मनभावन है कि इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। कश्मीर एक ठंडा और पहाड़ी इलाका है। जब भी हम किसी सुंदर पहाड़ों पर यात्रा करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में कश्मीर का दृश्य सामने आ जाता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ते हैं कश्मीर के और जानकारी के बारे में। यहाँ पे एक या बच्चे के द्वारा पत्र लिखा गया है और इसमें वहाँ का एड्रेस है, इसके मित्र का, प्रिय मित्र अंजन। यहाँ एक अंकित नाम का लड़का है जो अपनी मित्र अंजन को पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि प्रिय मित्र अंजन, सप्रेम नमस्ते। मैं कल ही कश्मीर से एक सप्ताह की यात्रा करके लौटा हूँ। अंकित एक लड़का है जो हाल ही में एक सप्ताह पहले कश्मीर की यात्रा करके लौटा है और वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, इसीलिए पत्र का उत्तर नहीं दे सका। उसका मित्र उसको पत्र लिखा था, यह उसका उत्तर नहीं दे सका था। क्यों? क्योंकि वह कश्मीर की सैर पे गया था और जब सैर से लौट रहा है तो अपने मित्र को उस पत्र का उत्तर दे रहा है। आशा है मेरी तरह तुम भी सकुशल होगे। इस पत्र में मैं तुम्हें अपनी कश्मीर यात्रा के बारे में लिख रहा हूँ। इसे पढ़कर तुम भी धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के बारे में जानोगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अंकित अपने मित्र अंजन को पत्र लिख रहा है और कश्मीर के बारे में बता रहा है। हम इलाहाबाद से रेलगाड़ी द्वारा जम्मू पहुंचे। कौन से? इलाहाबाद से।
वो रेलगाड़ी पकड़ा और जम्मू पहुंच गया। वहां से बस में बैठकर श्रीनगर की यात्रा की। इलाहाबाद से जम्मू कैसे गया? रेलगाड़ी से गया और फिर वहां बस बैठकर श्रीनगर गया। बस की यात्रा का आनंद भी कुछ और ही था। बस की यात्रा में भी बहुत आनंद आता है। अलग अलग तरह के सवारी में अलग अलग तरह का आनंद आता है। घुमावदार रास्ते, बलखाती ऊंची नीची सड़कों, घाटियों, पहाड़ों और हरियाली ने मन को आनंदित कर दिया। बस से जब अंकित यात्रा कर रहा था तो उसे बहुत आनंद आया। वहाँ के घुमावदार रास्ते, पहाड़ी और वहाँ का दृश्य, हरियाली भरा दृश्य देखकर उसे, हरियाली भरा मतलब चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधे, ये सब देखकर, शहरों में इस तरह की हरियाली नहीं दिखाई देती है, तो इस तरह की जब दृश्य अंकित ने देखा तो उसका मन आनंदित हो उठा। श्रीनगर की डल झील बहुत सुंदर है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है। तो श्रीनगर में जब उसने डल झील देखा तो उसको बहुत सुंदर लगा। हमने इसी झील में एक हाउस बोट किराए पर ले लिया। हाउस बोट एक होता है जो कि झील में होता है, उसमें झील में एक हाउस बोट उन्होंने एक किराए पर ले लिया। हमारी तरह अन्य लोगों ने भी हाउस बोट किराए पर ले रखी थी। श्रीनगर में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। श्रीनगर में चारों तरफ क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घाटियां हैं, घुमावदार रास्ते हैं और यहाँ पे डल झील भी है। झीलों के किनारे और पहाड़ के ढलानों पर मकान बने हुए हैं। झीलों वहाँ पे झील है डल झील और उसके किनारे किनारे क्या है? पहाड़ के ढलान पर मकान बने हुए हैं, वहाँ लोग सभी रहते हैं। यहाँ के मकान अधिकतर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, इसीलिए यहाँ के घर कैसे होते हैं? लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। ये सभी कितनी सारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आ गई हैं जो आप लोगों को याद रखने लायक है। कश्मीर में घर किस तरह के बने होते हैं? तो लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। डल झील कहाँ है? तो श्रीनगर में है। इन सभी चीजों का आप लोगों को याद करते हुए आगे बढ़ना है। कश्मीर का मौसम ठंडा होने से यहाँ के लोग गोरे और सुंदर होते हैं। अब यहाँ पे कश्मीर के लोगों के बारे में बताया गया है कि कश्मीर के लोग किस तरह होते हैं, उनकी वेशभूषा क्या है। तो कश्मीर के लोग ठंड अधिक पड़ती है इसीलिए गोरे और सुंदर होते हैं। यहाँ सर्दी अधिक पड़ती है इसीलिए हम लोग भी खूब गर्म कपड़े साथ ले गए थे। अंकित बता रहा है कि कश्मीर में बहुत अधिक ठंडक पड़ती है इसीलिए वो लोग भी साथ में गर्म और ऊनी कपड़े भी साथ ले गए थे। कश्मीर में चिलगोजे, अखरोट, किशमिश और बादाम खूब मिलते हैं और हमारे यहाँ ये सस्ते भी हैं, हमारे यहाँ से सस्ते हैं। क्योंकि इन सब ड्राई फ्रूट जो होते हैं, हम लोग देखते हैं कि अखरोट हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, ये सभी हमारे देश में काफी महंगे हैं। इन्हें इन्हीं क्षेत्रों से लाया जाता है और यहाँ ये काफी सस्ते मिलते हैं। कौन कौन से चीज? चिलगोजे, अखरोट, किशमिश और बादाम। हमने कश्मीर में खूब मेवे खाए। बच्चों को मेवा बहुत पसंद है, मेवों से बनी खीर बहुत पसंद है। तो यहाँ अंकित ने कश्मीर में बहुत सारे मेवे खाए क्योंकि वहाँ बहुत ही सस्ते दामों पे ये उपलब्ध हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ग्रीन बॉक्स में कुछ जानकारी वाली बातें दी गई हैं। कश्मीर झेलम नदी की घाटी में बसा है। कश्मीर कौन सी घाटी में बसा है, यहाँ प्रश्न बन सकता है। तो कश्मीर झेलम नदी की घाटी में बसा है और इस घाटी में कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। यहाँ 6 जिला का नाम लिखा हुआ है। श्रीनगर, बड़गांव, अनंतनाग, पुलवामा, वारामूला और कुपवाड़ा, ये सभी इस घाटी के 6 जिलों के नाम है। ये सभी प्रश्न बनकर आप लोगों को पूछा जा सकता है बच्चों। पीर पंजाल पर्वत जो है की श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी वो कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करती है या एक बॉर्डर के रूप में काम करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो इस बॉक्स में से आप लोगों को तीन से चार प्रश्न बन के निकलते हैं बच्चों। आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ के पेड़ फलों से लदे रहते हैं। यहाँ हम जान रहे हैं कि हरियाली है, हरा भरा जगह है और यहाँ बहुत से पेड़ हैं, हरी भरी फलों के पेड़ हैं, मेवों के पेड़ हैं। तो कश्मीर में कौन कौन से फल हैं?
सेब, नाशपाती, खुबानी और अनार, इन सभी के बड़े बड़े बाग हैं। सेब लोग बोलते हैं ना कि ये कश्मीर वाले सेब हैं, कश्मीर वाले अनार है, नाशपाती है, तो ये वह कश्मीर में इन सभी फलों के बड़े बड़े बागान हैं। ये फल यहाँ से बाहर भी भेजे जाते हैं। इन फलों का बाहर के क्षेत्रों में, देशों में निर्यात भी होता है। यहाँ के अधिकतर लोग गरीब हैं, उन्हें मेवे और फल खाने को कम ही मिलते हैं। वे गेहूं, मकई की रोटी और भेड़ बकरी का मांस खाते हैं। यहाँ भले ही मेवा फल फूल अधिक होता है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं और वो इस मेवे फल फूल का सेवन ज्यादा नहीं कर पाते हैं। इन्हें बाहरी देशों में भेजा जाता है। ये लोग गेहूं की रोटी और मकई खाते हैं, भेड़ बकरी का मांस खाते हैं। बच्चों, आज आप लोग कहानी को यहीं तक रहने दीजिए। आगे कहानी को मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी, शेष बचे हुए कहानी को और उनसे जो जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हैं उसको बताऊंगी। इन सभी शब्दार्थों को आप लोगों को हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है और ग्रीन कार्ड के रूप में मैं जो भी भेजूंगी आप लोग उसको बना के ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।